शिव ठाकरे और डेजी शाह, देखिए दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, दोनों को बहुत ज़्यादा साथ में पसंद किया जा रहा है। शिवसी इन दोनों के साथ में एक ट्रेंड चल चुका है ट्विटर पर, बाकी सोशल मीडिया पर। दोनों हमेशा यू नो, जब से इन्होंने खतरों के खिलाड़ी साथ में किया है, एक तो खतरों के खिलाड़ी पे इनकी बॉन्डिंग और इनके इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई, इनकी इक्वेशन और बॉन्डिंग को बहुत ही ज़्यादा यू नो पसंद किया गया बेसिकली, और साथ ही साथ दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी आपको मैं बता दूँ कि आज है डेजी शाह का जन्मदिन, और देखिए डेजी शाह का जन्मदिन हो या फिर कुछ भी ओकेशन हो, तो देखिए एक दूसरे के लिए दोनों खड़े ना हो, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज डेजी शाह के जन्मदिन के मौके पर शिव ठाकरे ने उन्हें बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज भेजा है, साथ ही साथ उनको विश किया है बर्थडे। उन्होंने स्टोरी अपलोड की है और यू नो डेजी शाह के पिक्चर डाली है शिव ठाकरे ने। देखिए रिसेंटली जब खतरों के खिलाड़ी से ये लोग वापस आए, उसके बाद से ही लगातार शिव और डेजी एक साथ नजर आते हैं। कभी वो मूवी डेट पर जाते हैं, तो कभी यू नो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बेसिकली वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और ऐसा उनका भी कहना था कि अभी हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, अभी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, इसके बाद देखते हैं कैसे चलती हैं चीज़ें, एक दूसरे के साथ उन्हें कैसा महसूस होता है, कैसी वाइब्स मैच करती हैं। तो ये सब चीज़ें डेजी और शिव ने कही थी एक दूसरे के लिए इंटरव्यूज़ में। इनफैक्ट दोनों एक दूसरे के लिए यही बोलते हैं कि दोनों की वाइब्स बहुत अच्छे से मैच होती हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक जैसा सोचते हैं। यही वजह है कि दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं खतरों के खिलाड़ी के सेट पे, और उसके बाद से ही दोनों की फ्रेंडशिप ऐसे ही बरकरार है। तो आज शिव ठाकरे ने बहुत ही प्यारा सा बर्थडे विश किया है डेजी शाह को उनके जन्मदिन के मौके पर। आपको क्या लगता है दोनों के इक्वेशन को लेकर, बॉन्डिंग को लेकर, क्या दोनों एक दूसरे के साथ जल्द ही रिलेशनशिप में आ जाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार। बहुत पैसा है सुंबुल तौकीर खान के पास। वेल, ये बात हमने नहीं कही है, ये बात कही है सुंबुल के बहुत ज़्यादा ख़ास दोस्त ने, सुंबुल के बहुत करीबी ने, और सुंबुल जिसे देखिए अपना भाई मानती हैं, उसी ने ये बात बोली है कि सुंबुल के पास बहुत पैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक पैसा है। देखिए ये बात आपको बता ही देते हैं। देखिए अब शिव ठाकरे ने ये बात बोली है, आखिर कहाँ बोली है, क्यों बोली है, चलिए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सुंबुल तौकीर खान ने रिसेंटली कार जीती है, ये आप सब लोग जानते हैं। उन्हें रविवार विद स्टार परिवार में देखिए परफॉर्मर ऑफ द सीरीज़ का खिताब मिला है, जिसके बाद उन्हें मारुति सुजुकी अर्टिगा एज अ गिफ्ट में मिली है, मेकर्स की तरफ से, प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, प्रोड्यूसर्स की तरफ से। तो सुंबुल रिसेंटली अपनी कार को रिसीव करने अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंची। यहाँ पर उनकी छोटी बहन, दोनों छोटी बहनें और साथ में पापा तौकीर भी शामिल थे। बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी पूरी फैमिली, और इसके बाद भी देखिए सुंबुल पूरी फैमिली को लेकर गई घुमाने के लिए, और सुंबुल का व्लॉग भी आने वाला है फॉर श्योर, आज रिलीज़ हो जाने वाला है सुंबुल का व्लॉग भी, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि सुंबुल के बहुत करीबी दोस्त शिव ठाकरे ने अब सुंबुल की नई कार पर रिएक्ट किया है। देखिए रिसेंटली शिव ठाकरे पहुंचे थे एक इवेंट पर, बेसिकली क्लीनलीनेस के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए सुंबुल शिव ठाकरे पहुंचे थे। तो देखिए वहां पर सुंबुल के बारे में जब पूछा गया मीडिया की तरफ से, और सुंबुल की नई कार को लेकर बोला गया कि उन्हें गिफ्ट मिली है नई कार, तो आप क्या कहेंगे? तो देखिए उस पर शिव ठाकरे ने बोला कि हाँ, मैंने बात की है उससे और मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बाकी तो बहुत पैसे हैं उसके पास, वो तो खरीद भी सकती थी अपनी कार। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें शिव ठाकरे ने इस दौरान कही हैं। अब शिव और सुंबुल की दोस्ती जो है वो बिग बॉस 16 के बाद से ऐसे ही बरकरार है, और होपफुली ऐसे ही रहे बरकरार, क्योंकि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग शेयर करते हैं दोनों के दोनों आपस में, चाहे शिव खतरों के खिलाड़ी करें या फिर सुंबुल के नए सीरियल या उनके म्यूज़िक वीडियो साजिशों की बात हो। देखिए शिव ठाकरे हमेशा उनके लिए भी खड़े रहे, और सुंबुल हमेशा शिव के लिए खड़ी रहती हैं यू नो हर चीज़ पे। तो दोनों की इक्वेशन, दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, और होपफुली वो अच्छी ही रहे ऐसे ही। बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता दीजिए। तो बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।
हमारे देश ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, हिस्ट्री क्रिएट कर दी गई है। चंद्रयान 3 सफल हो गया है अपने कम मिशन में। देखिए, मिशन मून पर वो निकला था आज से करीब 1.25 महीने पहले, और अब चंद्रयान ने देखिए चांद की उस साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके, विक्रम लैंडर ने लैंडिंग करके सफलतापूर्वक इतिहास रच दिया है। अब ये जो 23 अगस्त तारीख है ना, वो मतलब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है हमेशा हमेशा के लिए। और आपको बता दूं कि सभी टीवी सेलिब्रिटीज़ ने भी इस पर अपने अपने रिएक्शंस दिए हैं। हिना खान, तेजस्वी प्रकाश से लेकर अंकित गुप्ता, प्रियंका चहल चौधरी तक, हर किसी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक हो जाने पर। इसरो को देखिए सैल्यूट है, हमारे देश के साइंटिस्ट को सैल्यूट है जिन्होंने इतने ज़्यादा मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट पर, इस मिशन पर। और अब देखिए वो सफल हो गया है अपने मिशन में, अब वो चांद पर लैंड हो चुका है और धीरे धीरे अब जानकारियाँ जुटानी शुरू करने वाला है वो। बहरहाल, आयशा सिंह ने बहुत ही प्यारी तस्वीर के साथ चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के बाद उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एक रिएक्शन दिया, एक प्यारी सी पिक्चर अपनी अपलोड की, पोस्ट की। और देखिए उन्होंने जय हिंद भी लिखा, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं आयशा सिंह भी। जिस हिसाब से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काम किया है, उस हिसाब से आयशा सिंह ने भी एक बहुत ही अपनी प्यारी सी तस्वीर लगाई जिसमें ऊपर उन्होंने चांद को प्लेस किया और देखिए चांद पर लहरा रहा है हमारे देश का तिरंगा, हमारे देश की आन बान और शान तिरंगा लहरा रहा है चांद पर। और आयशा सिंह ने बहुत ही प्यारी सी तस्वीर अपनी इस मौके पर पोस्ट की है इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर। फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, मतलब फैंस को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है ये उनकी तस्वीर। और डेफिनेटली आयशा ने एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका ढूंढ निकाला इसरो को कॉन्ग्रेचुलेट करने का, हमारे देश को कॉन्ग्रेचुलेट करने का, क्योंकि ये प्राइड ऑफ मतलब इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर आर कंट्री, फॉर होल आर नेशन, मतलब पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। और इसी में ही टीवी सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं जो एक एक कर अपने अपने अंदाज में विशेज़ दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। और आयशा सिंह की विश काफ़ी खास थी। बहरहाल, इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जो। आयशा सिंह सुंबुल तौकीर खान से नाराज़ हो गई हैं। जी हाँ, आयशा सिंह गुस्सा हो गई हैं सुंबुल तौकीर खान पर और भड़क उठी हैं। आखिर क्या है इसकी वजह और क्यों भड़क उठी हैं सुंबुल तौकीर खान पर आयशा सिंह? देखिए, दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेंड्स हैं। रविवार विद स्टार परिवार में दोनों की बॉन्डिंग बहुत पसंद की जाती है। मतलब आयशा सिंह उस टाइम पे गुम है किसी के प्यार में के लिए सई जोशी का किरदार निभा रही थी और सुंबुल तौकीर खान इमली सीरियल में एज इमली नज़र आ रही थी उस वक्त, और दोनों के बीच में दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आयशा सिंह बहुत ज़्यादा भड़क उठी हैं सुंबुल तौकीर खान पर और एलिगेशंस लगा रही हैं कि सुंबुल तौकीर खान बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। देखिए, पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई हैं और कामयाबी का नशा और कामयाबी की जो एक एटीट्यूड होता है, गुरूर होता है, वो सुंबुल तौकीर खान को आ गया है, ऐसा आयशा सिंह ने कह दिया है। आखिर क्या है वजह और इसके पीछे फामान कनेक्शन क्या है? फामान खान की वजह से आयशा सिंह सुंबुल तौकीर खान पर आखिर क्यों भड़क उठी हैं? चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट। हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आयशा सिंह भड़क उठी हैं सुंबुल तौकीर खान के ऊपर और उसकी वजह है फामान खान। जी हाँ, फामान खान, अब आप जानते ही हैं कि सुंबुल और फामान और साथ ही साथ आयशा सिंह तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब दोस्त थे एक्चुअली। आयशा सिंह जितनी सुंबुल की अच्छी फ्रेंड थी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी फ्रेंड वो फामान खान की भी थी रविवार विद स्टार परिवार में। इन सब की बॉन्डिंग हमें देखने को मिली थी। लेकिन आपको याद होगा तो परफॉर्मर ऑफ द सीरीज का भी रिसेंटली खिताब सुंबुल तौकीर खान को मिला, मतलब खिताब तो पहले मिला था, लेकिन मारुति सुजुकी अर्टिगा जो गाड़ी है वो गिफ्ट में उन्होंने अभी रिसीव की है। और देखिए, जब यहाँ पर उनसे मीडिया इंटरेक्शन के दौरान पूछा गया कि इसका क्रेडिट आप किसको देंगी, तो
फरमान खान का कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। सुंबुल ने एक बार भी फरमान खान का नाम नहीं लिया, जबकि फरमान और सुंबुल साथी थे उस टाइम पे और साथ ही गेम्स खेलते थे इस शो में, और साथ ही साथ वो यू नो जितनी भी उनकी चीज़ें रहती थी हमेशा अक्सर साथ ही रहती थी। तो वो एज सुंबुल और फरमान रिप्रेजेंट नहीं करते थे, वो सुमान रिप्रेजेंट करते थे। तो देखिए दोनों ने बहुत जमकर नाम कमाया, शोहरत कमाई, इज्जत कमाई, नाम बहुत ज़्यादा फैंस कमाए हैं वहीं से ही, मतलब अपने सीरियल इमली से ही। तो देखिए यहाँ पर एक बार भी फरमान खान का नाम सुंबुल तौकीर खान ने नहीं लिया। इनफैक्ट जब एक बात के दौरान फरमान खान का नाम आया, एक रिपोर्टर ने पूछा, तो देखिए सुंबुल तौकीर खान की चेहरे की जो हंसी थी वो भी उस टाइम पे गायब हो गई, और उन्होंने कहा कि मैं म्यूज़िक वीडियो फरमान खान के साथ नहीं कर रही हूँ, इसका कोई अपडेट नहीं है। बस इसी बात पर अब आयशा सिंह भड़क उठी हैं। मैंने आपको बताया आयशा फरमान की भी उतनी ही अच्छी दोस्त हैं। तो देखिए फरमान खान को लेकर, मतलब फरमान खान की वजह से सुंबुल पर भड़क गई हैं आयशा सिंह। उन्होंने कहा है कि सुंबुल तौकीर खान पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, पहले वो ऐसी नहीं हुआ करती थी, वो अब थोड़ी से एटीट्यूड में रहने लगी हैं, वो थोड़े से अभी उनको गुरूर आ गया है फैंस का और बहुत सारी चीज़ें। बेसिकली सुंबुल तौकीर खान के ऊपर एलिगेशंस आयशा ने लगाए हैं कि वो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, उनके ऊपर फैंडम जो है वो छा गया है। और देखिए उन्होंने कहा कि अगर जल्दी ही सुंबुल पहले जैसे सुंबुल नहीं बनी तो सुंबुल के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी नुकसान वाली बात होगी, सुंबुल बहुत ही ज़्यादा इसके लिए वो उनको बहुत ही ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो ऑल एंड ऑल बेसिकली सुंबुल तौकीर खान पर आयशा ने ये कमेंट किया है कि देखिए आयशा सुंबुल को बदलने की ज़रूरत है, जैसी वो पहली थी चुलबुली सी और हस्ती खेलती वैसी उसको होने की ज़रूरत है। साथ ही साथ फरमान खान को अगर देखिए वो बात नहीं कर रही हैं तो एटलीस्ट उनको क्रेडिट दे देना चाहिए था, उनको थोड़ा सा मेंशन कर देना चाहिए था, ऐसा आयशा सिंह का कहना है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार। प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता के रिश्ते को, रिलेशनशिप को मंजूरी मिल गई है प्रियंका चाहर चौधरी की फैमिली की तरफ से। देखिए अब आपको जो खबर मैं सुनाने जा रहा हूँ वो प्रियंकित फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है प्रियंकित फैंस के लिए, सभी प्रियंका और अंकित के फैंस के लिए। अब आप जानते ही हैं कि दोनों के बीच में इक्वेशन और बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। वेल अभी रिसेंटली प्रियंका के जन्मदिन पर अंकित गुप्ता और पूरे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स थे प्रियंका के सब ने मिलकर सेलिब्रेट किया प्रियंका का जन्मदिन, और इस मौके पर देख सकते थे कि किस तरीके से अंकित और प्रियंका जो है वो एकदम अनसेपरेबल है। मतलब हर जगह पर अंकित और प्रियंका सबसे पहले नज़र आ रहे थे, साथ साथ नजर आ रहे थे। जब केक काटा प्रियंका ने तो सबसे पहला स्लाइस अंकित गुप्ता को, और तो बेसिकली देखा जाए तो हर एक क्लोज फ्रेंड को भी पता है अंकित और प्रियंका के रिश्ते के बारे में कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, कितनी अच्छी इक्वेशन है। लेकिन अब देखिए फैमिली की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है दोनों के रिलेशनशिप को। वेल अगर अंकित गुप्ता और प्रियंका चाहर चौधरी चाहें तो अभी के अभी अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जा सकते हैं। अब खबर ही कुछ ऐसी है कि आप भी कहेंगे कि जी हाँ ऐसा सच है। अब देखिए दोनों पर डिपेंड करता है क्योंकि फैमिली की तरफ से तो मंजूरी मिल चुकी है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। रिसेंटली दोनों ने जन्मदिन साथ मनाया प्रियंका ने। अब देखिए यहाँ पर अंकित गुप्ता और पूरे उनके क्लोज फ्रेंड्स तो थे ही थे, साथ ही साथ प्रियंका चाहर चौधरी के भाई योगेश चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे, अपनी बहन के बर्थडे के मौके पर योगेश भी देखिए साथ साथ थे। और जहां पर अंकित और प्रियंका बिल्कुल साथ साथ हर वीडियो में हर फोटो में नजर आ रहे हैं, वहीं योगेश चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं। बेसिकली योगेश की तरफ से एकदम ग्रीन सिग्नल है प्रियंका और अंकित के रिश्ते को, प्रियंका और अंकित के रिलेशनशिप को, और दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश हैं और इनकी फैमिलीज़ भी अब एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपको क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, क्या है आपकी राय, कॉमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।
बिग बॉस 17, जी हाँ, अब बिग बॉस 42 के बाद बिग बॉस 17 जल्द ही शुरू होने वाला है। आपको बता दूं, अब इसकी टेंटेटिव लिस्ट नज़र आ रही है सामने। जितने भी कंटेस्टेंट्स को देखिए, इस बार घर के अंदर बंद किया जाने वाला है। अभी तक आपको बता दूं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच किया गया है फॉर द शो, बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया गया है उनकी यू नो ऑन गोइंग करंट कॉन्ट्रोवर्सी को देखते हुए, या फिर उसके पहले की कॉन्ट्रोवर्सी को देखते हुए। तो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को अप्रोच किया गया है, बिग बॉस 42 के भी कंटेस्टेंट्स को अप्रोच किया गया है, जिसमें से कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस किस कंटेस्टेंट ने मना कर दिया है, या किस कंटेस्टेंट ने जाने से इनकार कर दिया है प्री कमिटमेंट्स की वजह से, या फिर कुछ भी कह लीजिए। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको एक खबर दे दूं, वो ये है कि प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता की को स्टार जरूर जाने वाली है बिग बॉस 17 में। अब आप कहेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी को स्टार है जो इन दोनों की जाने वाली है बिग बॉस 17 के घर में? क्या वो अभिषेक कुमार हैं जिन्होंने उनके सीरियल उड़ारिया में ही काम किया था उनके साथ, क्या फिर वो कोई और हैं? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट। हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए, बिग बॉस 17 के लिए प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता की को स्टार ईशा मालवीय को बहुत बड़ा ऑफर दिया गया है। ईशा मालवीय को अप्रोच किया गया है मेकर्स की तरफ से, और देखिए लगभग 90% ईशा मालवीय का डन हो चुका है बिग बॉस के घर के अंदर जाना इस बार। जी हाँ, वो सीरियल उड़ारिया में इन्हीं के साथ में थी, इनकी को स्टार थी। बेसिकली उनका जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि फिलहाल ईशा जो हैं अपने वर्क से एक ब्रेक पर चल रही हैं, और लास्ट टाइम जैसे अंकित गुप्ता और प्रियंका गए थे उन्हीं की मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से, तो इस बार ईशा मालवीय जाने वाली हैं ऐसी खबरें हैं, और 90% उनका डन हो चुका है। इसके अलावा आपको और भी कंटेस्टेंट्स बताता हूँ, देखिए कि कौन कौन से कंटेस्टेंट आपको इस बार बिग बॉस 17 में नज़र आ सकते हैं। मनीषा रानी जो बिग बॉस 42 को करके आई हैं अभी फ़िलहाल, और जो थर्ड मतलब सेकंड रनर अप रही हैं शो की, मनीषा रानी को मेकर्स ने बाहर निकलते ही 17 के लिए अप्रोच कर दिया है। फिलहाल उनके टॉकिंग चल रही है, फिलहाल वो बातचीत कर रही हैं मेकर्स के साथ, प्रोडक्शन हाउस के साथ, कि क्या करना है, कैसे करना है, और फिलहाल ये सब चीज़ें चल रही हैं उनके। तो मनीषा रानी डेफिनेटली बिग बॉस 17 में जा रही हैं। इसके अलावा फमान खान, इस बार फमान खान भी बिग बॉस के घर के अंदर फाइनली जा सकते हैं। 99% चांसेस हैं फमान खान के जाने के, क्योंकि फमान का शो धर्मपत्नी ऑफर हो रहा है। इसके अलावा 16 के लिए भी बहुत बड़ा ऑफर किया गया था फमान को, तब फमान ने मना कर दिया था, लेकिन मेकर्स ने फमान को एक बड़ी रकम के साथ, एक बड़े ऑफर के साथ फिर से अप्रोच किया है। उसके बाद ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट को भी मेकर्स की तरफ से अप्रोच किया गया है। वेल, आपको बता दूं, ऐश्वर्या और आयशा सिंह के बीच में बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी अभी हुई थी जब शो को क्विट किया था इन तीनों ने ही, तो उस टाइम से लेकर अब तक ऐश्वर्या आयशा चलता ही रहा है हर जगह पर, बस इसी के चलते। दूसरा ऐश्वर्या शर्मा, देखिए इस ऑफर को ऐसा माना जा रहा है कि नील भट्ट का तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐश्वर्या शर्मा डेफिनेटली बिग बॉस के घर के अंदर जा रही हैं। उन्होंने ऑलरेडी कंफर्मेशन भी दे दिया है, क्योंकि ऐश्वर्या फिलहाल ब्रेक पर चल रही हैं, खतरों के खिलाड़ी को रैप अप करके वो आई हैं शूट को, लेकिन उसके बाद से ही ऐश्वर्या जो है अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को देख रही थी कि आखिर क्या होगा, तो उन्होंने बिग बॉस 17 को लॉक कर दिया है लगभग। इसके अलावा कंवर ढिल्लों और एलिस कौशिक अभी पांड्या स्टोर से क्विट करके ये बाहर आए हैं, अभी ब्रेक पर चल रहे हैं काम से, और इनके भी हाई परसेंट ऑफ चांसेस हैं कि ये कपल भी जो है बिग बॉस के घर के अंदर जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं, इस बार बिग बॉस का जो सीजन है, जो बिग बॉस का इस बार की थीम है, वो कपल वर्सेस सिंगल्स है। तो देखिए, कपल्स में ऐश्वर्या नील के अलावा कंवर ढिल्लों और एलिस कौशिक को अप्रोच किया गया है। अब इन दोनों की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। ईशा मालवीय का आपको बता दूं कि उनकी तरफ से भी डन हो चुका है, ऑलमोस्ट लगभग कंफर्म हो चुका है। करण मेहरा भी इस बार आपको बिग बॉस 17 में नज़र आ सकते हैं। आपको बता दूं, करण मेहरा इस बार फिर से बिग बॉस के घर के अंदर जा सकते हैं, हालांकि वो एक बार सीजन में पहले जा चुके हैं, लेकिन इस बार भी शायद से करण मेहरा वापस से घर के अंदर लॉक हो सकते हैं। वैसे खबरें तो ये भी थी कि वो लॉकअप सीजन 2 में नज़र आने वाले हैं। वेल, इसके अलावा अभिषेक मल्हान के पास तभी से ही ऑफर था बिग बॉस 17 का। अब जो बॉल है वो अभिषेक मल्हान के कोर्ट में है, अभी उनको डिसाइड करना है
कि उन्हें जाना है या फिर इस बार नहीं जाना है, मतलब वो मतलब ज़्यादा टाइम के लिए जाना थोड़ा सा प्रेफर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये डिसाइड करेंगे खुद अभिषेक मल्हान ही, यानी फुकरा इंसान, आप सबके फेवरेट आयशा सिंह। आयशा सिंह को भी बहुत पहले से मेकर्स ने ऑफ़र किया हुआ है बिग बॉस 17 के लिए। अब देखिए, ऐश्वर्या और नील को ऑफ़र गया है, मान लीजिए अगर ऐश्वर्या नील जाते हैं या फिर खाली ऐश्वर्या भी जाती हैं, तो अगर आपके साथ उस घर में आयशा सिंह भी मौजूद हैं तो एक बहुत बड़े चांसेस हैं कि टीआरपी तो देखिए डेफिनेटली बिग बॉस की एक अनदर लेवल पर जाने वाली है अगर आयशा और ऐश्वर्या दोनों ही बिग बॉस के घर के अंदर चले जाते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये देखना कि क्या बिग बॉस 17 की ये जो टेंटेटिव लिस्ट है ये कंटेस्टेंट्स की, इनमें से कौन अंदर जाता है घर के और कौन अंदर नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है इस बार का बिग बॉस। मैं आपको बता दूं, मैं पल पल की अपडेट्स बिग बॉस 17 की आपको यहीं पर दूंगा। पल पल की हम बातचीत करेंगे, हम डिस्कशंस करेंगे, लाइव सेशंस करेंगे, सब कुछ होगा। फिलहाल ये अपडेट आया था बिग बॉस के घर से निकलकर 17 जो नया सीजन शुरू होने वाला है। बहरहाल आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर, क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार। सुम्बुल तौकीर खान क्या लग रही हैं? देखिए, एक नई पिक्चर्स अपलोड की हैं कुछ सुम्बुल तौकीर खान ने, मतलब उसमें क्या गजब ढा रही हैं सुम्बुल तौकीर खान। बहुत ही ज़्यादा कैंडिड, बहुत ही ज़्यादा रॉ और बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं इन पिक्चर्स में सुम्बुल तौकीर खान। वैसे बड़ी ही अजीब बात है, आज सुम्बुल की बहन सानिया तौकीर ने एक वीडियो डाला था खुद का, जिसमें एक सिचुएशन बताई गई थी कि आप किसी से मूव ऑन नहीं कर पाते हो जब तब आपके साथ क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या रहता है। आपका मन बार बार वही करता है कि आप उसी से बात करें, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। तो देखिए, कुछ इसी तरह की वीडियो सानिया तौकीर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। इसके बाद से ही ऐसी बौछार आ गई सोशल मीडिया पर कि सुम्बुल और फमान की सिचुएशन से ये सिचुएशन बड़ी ही ज़्यादा मिलती जुलती है, जिस पर फिर बाद में सानिया तौकीर ने खुद रिएक्ट करके इन सभी र्यूमर्स पर ब्रेक लगाया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये सुम्बुल और फमान से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये एक सिचुएशन थी और इस सिचुएशन को बेसिकली, इस सिचुएशन का कोई भी लेना देना सुम्बुल और फमान से नहीं है। वैसे सुम्बुल की जो पिक्चर्स अब अपलोड की गई हैं ना, वो भी कुछ इसी तरफ इशारा करती हैं। सुम्बुल ने अपनी इतनी खुश होने वाली पिक्चर्स अपलोड की हैं इंस्टाग्राम पर दैट फैंस अब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं सुम्बुल के, उन्हें इतना खुश देखते हुए। आपको बता दूँ, सुम्बुल ने कैप्शन में भी लिखा है कि सम रॉ मोमेंट्स, सम कैंडिड मोमेंट्स, और बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं सुम्बुल। फिलहाल अपने सीरियल की शूटिंग में बिजी हैं सुम्बुल, और इसके अलावा वो अपने जिम पर, अपनी डाइट पर और अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, क्योंकि देखिए उनका शो अब ऑन एयर होने जा रहा है। काव्या बंसल के किरदार में नज़र आएंगे सुम्बुल तौकीर खान। अभी से फैंस बड़े एक्साइटेड हैं, प्रोमोज बहुत पसंद किए जा चुके हैं। वैसे सुम्बुल ने कल बहुत ही क्लियर कर दिया था अपने सभी फैंस को, जब वो अपनी गाड़ी को लेने गई थी तो उन्होंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया था फमान के साथ। अब उनका कोई म्यूज़िक वीडियो का कुछ अपडेट नहीं है। इनफैक्ट देखिए, उनके चेहरे से हंसी भी गायब हो गई थी जैसे ही उन्होंने फमान खान का नाम सुना था। तो देखिए, सुम्बुल तौकीर खान की पिक्चर्स ने कहर ढा दिया है। बॉटम लाइन अब इस वीडियो का ये है, इस स्टोरी का ये है कि सुम्बुल तौकीर खान बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रही हैं, और फैंस बड़े ही ज़्यादा खुश हैं सुम्बुल को इतना खुश देखकर। बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार। वेल, प्रियंका चहल चौधरी के फैंस हमेशा प्रियंका के फैंस हों, चाहे अंकित के फैंस हों, प्रियंकित फैंस हों, हमेशा प्रियंका के नए प्रोजेक्ट को लेकर बज क्रिएटेड रहता है कि आखिर प्रियंका आप किस नए प्रोजेक्ट में नज़र आएंगी। हाल ही में म्यूज़िक वीडियो बारिश आई है में नज़र आई थी प्रियंका, और मुझे लगता है कि बारिश आ गई है, मुझे लगता है कि इस म्यूज़िक वीडियो में प्रियंका ने
सिंगल हैंडेडली मतलब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाई थी अकेली, और यू नो, और बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं इस गाने पर, बहुत लोगों ने पसंद भी किया। अब एक और म्यूज़िक वीडियो को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, प्रियंका के नए गाने को लेकर अपडेट आया है। जी हाँ, प्रियंका के नया प्रोजेक्ट, अब तक तो देखिए आपको पता चल ही गया होगा कि नया म्यूज़िक वीडियो प्रियंका का आ रहा है। सोर्सेज की माने तो बी प्राग के गाने, देखिए बी प्राग हमेशा से ही ऐसी ऐसी मेलोडीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं जो मतलब दिल को अंदर से एकदम छू लेते हैं, यू नो, ऐसे ऐसे गाने, चाहे मन भरिया हो, मतलब होते सारे रिक्रिएटेड वर्जन है, लेकिन मन भरिया हो चाहे कोई और गाना हो, मतलब हर गाने में बी प्राग की आवाज़ जो है ना, वो आवाज़ ही काफ़ी होती है किसी को भी, किसी का दिल पिघला देने के लिए, किसी का भी दिल को यू नो रुला देने के लिए। तो अब बी प्राग की एक म्यूज़िक वीडियो जो कि डेफिनेटली एक रिक्रिएटेड वर्जन होगा, ए मेरी जोहरा जबी, जोहरा जबी बेसिकली नाम है इस म्यूज़िक वीडियो का, टाइटल है। अब इस पर अपनी एक्टिंग और अपनी यू नो डांस का जलवा बिखेरने के लिए प्रियंका चाहर चौधरी एकदम तैयार हैं। जी हाँ, प्रियंका का नया म्यूज़िक वीडियो बी प्राग का ही एक म्यूज़िक वीडियो है जिसमें उनके ऑपोजिट, अब देखिए ऑपोजिट अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस होगा प्रियंका के ऊपर, क्योंकि अब वो रणदीप हुड्डा के ऑपोजिट कास्ट हुई हैं इस म्यूज़िक वीडियो में। यानी कि अगर एक तरह से हम कहें कि इस म्यूज़िक वीडियो के साथ प्रियंका चाहर चौधरी बॉलीवुड में अपनी कदम रख रही हैं, मतलब बॉलीवुड में एंट्री कर रही हैं प्रियंका, तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि रणदीप हुड्डा बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब बॉलीवुड के वो कुछ उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक माने जाते हैं जो अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं ऑलरेडी से, मतलब जिनकी एक्टिंग के जलवे ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी अपने जलवे बिखेर चुके हैं एज एन एक्टर, एज एन परफॉर्मर। अब उनके ऑपोजिट प्रियंका चाहर चौधरी कास्ट हुई हैं इस गाने के लिए, और देखिए एक तरह से बॉलीवुड डेब्यू प्रियंका चाहर चौधरी इस म्यूज़िक वीडियो के साथ करने जा रही हैं। जिस हिसाब से उनका लास्ट म्यूज़िक वीडियो रहा था, उस हिसाब से तो लगता है कि ये वाला म्यूज़िक वीडियो भी एकदम जलवे बिखेर देने वाली हैं प्रियंका, और बहुत मज़ा आने वाला है इस म्यूज़िक वीडियो में प्रियंका के लिए। आई थिंक शूट भी स्टार्ट हो चुका है इस गाने का, तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस गाने के लिए, जब ये गाना आएगा बाहर तब देखिए पता चलेगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स है इस गाने को। अदरवाइज आपको क्या लगता है, क्या कहना है आपका इस म्यूज़िक वीडियो को लेकर, प्रियंका की बॉलीवुड में एंट्री को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।